यूट्यूब में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम को दबाकर परमंडल की ताजा खबर पाएं सबसे पहले सबसे आगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला समिति की अहम बैठक बुधवार को लातेहार के उत्सव मंडप सभागार में हुई। बैठक के दौरान आम चुनाव में नेता व कार्यकर्ताओं की भूमिका सहित संगठन की मजबूती के लिए चला जा रहे सदस्यता अभियान की समीक्षा की गई। पार्टी के लातेहार जिलाध्यक्ष लाल मोतीनाथ सहदेव, मोहम्मद मस्तकिम मनिक गंजू, हरेंद्र भुइया, समंदर उराव, बलवंत सिंह, गोपाल सिंह, अशोक पांडे समेत झामुमो के कई नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता बैठक में शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पार्टी जिलाध्यक्ष श्री सहदेव ने बताया कि जिला समिति की बैठक में विगत 23 अप्रैल को अजीत श्रीवास्तव को पार्टी से निष्कासित किए जाने के निर्णय पर मोहर लगाई गई। कहा, समानांतर बैठक कर जिलाध्यक्ष तथा संरक्षक का चुनाव कर लेने पर मोहम्मद रिजवान, संदीप राम, राजेश उराव, मोहन भैया को भी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित किया गया। केंद्रीय कमेटी मेंबर अरुण दुबे, शमशेर खान एवं परमेश्वर गंजू की पार्टी विरोधी गतिविधियों एवं व्यवहार की घोर निंदा करते हुए निष्कासन प्रस्ताव को भी केंद्रीय कमेटियों को भेजने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। इसके अलावा संगठन के विरोध में कार्य करने के आरोपी मोहन गंजू, मनीर अंसारी एवं इंद्रदेव उराव से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है और संगठन विरोधी गतिविधि के लिए एवं सदस्यता अभियान में रुचि नहीं लेने की वजह से हिरण प्रखंड समिति को भी भंग कर दिया गया। श्री सहदेव ने कहा कि लोकसभा चुनाव में महागठबंधन धर्म का पालन करने की बातें कार्यकर्ताओं ने कही। समूचे बैठक का संचालन मोर्चा के जिला सचिव इश्तियाक खान और पप्पन खान ने किया। जिले के तमाम प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष, प्रखंड सचिव और हमारे जो केंद्रीय समिति के सदस्य हैं, हमारे जो जिला समिति के सदस्य हैं, वे लोग आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं इस बैठक में और अपनी इन लोगों की जो निर्णय होगा, इन लोगों का जो निर्णय होगा, सबों का निर्णय सर्वमान्य होगा, उससे हम लोग अवगत करा देंगे और निश्चित रूप से किसी न किसी निष्कर्ष पे हम लोग पहुँचेंगे।